जय हिंद बच्चों, कैसे हो बेटा? अगेन फिर से आप लोगों के सामने हूँ। सब्जेक्ट को लेके, जो सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है ना, और कल के सेशन तक हम इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर हम लोग कल सिनोनिम्स पे बात कर रहे थे, है ना। जो वोकैबलरी का पार्ट था उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बट एज पर योर डिमांड, आप लोगों की भी डिमांड थी। साथ ही साथ क्योंकि हम एरर्स को एक ही दिन क्लास ले पाए थे, तो हमने आज बीच में एरर्स को डाला, कल फिर वाकैब, ठीक है। तो बीच बीच में हम एरर्स को इसी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फटाफट से सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आओ फटाफट से ज्वाइन करो और फिर हम अपने इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां पर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल हैं जो कि एरर्स से जुड़े हुए हैं, राइट। तो स्पॉटिंग एरर्स के पार्ट पे हम लोग आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और जैसा कि हम लोग अभी तक रेगुलरली करते आते हैं, है ना भाई, जैसे क्वेश्चन सामने आता है आप लोग रिप्लाई करते हैं, ठीक है। इट शुड बी, ये होना चाहिए। ये अभी सेशन में भी, एरर्स में भी ये काम आपको करना है। आप देखिए, पढ़िए और उसके बाद अपनी तरफ से आप जरूर आंसर लगाइएगा। ध्रुव दत्त, जय हिंद सर, जय हिंद। आभा यादव, जय हिंद सर। आभा शिवा ठाकुर, जय हिंद सर, जय हिंद शिवा। ठीक है, फटाफट से सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है ना, और साथ साथ जितना हो सके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। मुझे हर एक किसी का पार्टिसिपेशन चाहिए। बच्चों, जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें भी आनंद आएगा क्वेश्चन करने में, और मुझे भी यहां पर एक्सप्लेनेशन देने में आनंद आएगा। रोहित, जय हिंद सर, जय हिंद रोहित बेटा। ठीक है, तो आर यू रेडी? टेल मी, आर यू रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? शैल वी स्टार्ट? आर यू रेडी? यस और नो? लेट मी नो, बताओ जल्दी से फटाफट। यस सर, गुड। दीपक कसाना, जय हिंद सर, जय हिंद दीपक। सुमित प्यारी, गुरुजी चरण स्पर्श, शिवा ठाकुर, ओके। आयुष्मान भाव, चले अब देखिए, करते हैं अपने क्वेश्चंस की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेशे खिदमत है, जो कि जुड़ा हुआ है बच्चों एरर्स के साथ में। किसके साथ में? एरर्स के साथ में। गुड, यही तो एनर्जी चाहिए आप लोगों की। यस सर, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिएगा, लिखा हुआ है ऑन मार्च 2024 द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया एडेड 22 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आसाम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय, राइट। तो देखें जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या करने वाले हैं आप लोग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऑन मार्च 24 द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया एडेड 22 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आसाम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय, है ना। बताएं, शिवा ठाकुर का आंसर सबसे पहले आया ऑप्शन नंबर सी, शाबाश। और बताइए जल्दी फटाफट से, ऐसे ही आंसर करना है। सबसे पहले शिवा ने इनिशिएटिव लिया है आंसर करने का, है ना। अभी तो ध्रुव बचे हुए हैं, दीपक बचे हुए हैं, और सुमित है ना, रोहित है, शाबाश। रोहित ने कहा ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। क्यों बेटा? अब रोहित का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। आंसर तो अभी सरप्राइज है, ठीक है। तो अभी तो मैं देखूं तो सही कि आप लोग कितना उसका आंसर है। सुमित प्यारी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ओके। सुमित ने कह दिया ऑप्शन नंबर डी, सर कोई एरर ही नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, है ना, ऐसा कुछ। चले बाकी बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग भी बताएं तुरंत से, है ना, जितना जल्दी हो सके बच्चों। आंसर आंसर किया करो, चले आंसर देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्या? यूज इन प्लेस ऑफ ऑन बिफोर मार्च, राइट। यहां देखो कहां था आंसर, यहां था बच्चों, राइट, ऑन मार्च 2024, है ना, 2024, राइट। नाउ अब देखिए, यहां पर बात कर रहा मार्च की। मार्च इज व्हाट? मार्च इज अ नेम ऑफ मंथ, राइट। मार्च इज व्हाट? मार्च इज अ नेम ऑफ मंथ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब यहां पर क्या हुआ कि जब भी कभी हम नेम ऑफ मंथ की बात करते हैं, तब उस केस में हम प्रिपोजिशन ऑन का यूज नहीं करते, बल्कि इन दैट केस हम प्रिपोजिशन लगाते हैं। क्या बेटा? इन। आई बात समझ में? तो प्रिपोजिशन क्या आती है?
इन, और जब मंथ नेम ऑफ मंथ आ गया तो उसमें फिर ऑन की तो जरूरत ही नहीं, तो इस यही ऑन में ही एरर थी, और ऑन का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा इन। देखो ध्यान रखो बच्चों क्या कि जब कभी हम इनकी बात करते हैं तो नेम ऑफ मंथ हो सकते हैं, ठीक है, ईयर हो सकता है, ठीक है, सीजन हो सकता है, इन सब के साथ में हम क्या लगाते बेटा, इन लगाते हैं, हम कभी इनके साथ ऑन नहीं लगाते। अगर ऑन की बात करें तो ऑन का यूज होता है जहां फिक्स की बात करें, यानी कहना का मतलब या तो कोई डेट दे रखी हो या कोई डे दे रखा हो तो ऑन लगा लीजिएगा, राइट। यहां पर बात हुई किसकी बेटा, मंथ की, तो मंथ के केस में ऑन तो आना ही नहीं है, क्या आना है इन। दिस इज द आंसर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, राइट, और उसमें भी कंफ्यूजन। देखो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, राइट, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आने वाले हर वर्ड को चेक करो, राइट भाई। यहीं पे जब ऑन लग रहा था तो ऑन मार्च 2024 मेरे को दिखाई दिया, अब ये तो ईयर था, सही है ना, क्या था, ईयर था, लेकिन उससे पहले मंथ दिया गया था, भाई मंथ तो चाहे ईयर हो, क्या लगाना है, इन लगाना है, सीधी सी बात, और उस केस में ऑन तो आ ही नहीं सकता, यही ग्रामेटिकली गलत है, बात समझ में आ रही है, तो यही एरर बन गई। दूसरा, अब आगे भी अगर पढ़ते क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन, यूनिक है भाई। अब यूनिक जो भी कोई चीज हो रही है तो उसके साथ हम क्या लगा लेते हैं बेटा, द स्पेशली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये स्पेसिफिक है कहां के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और जब कभी किसी नाउन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक कर रहे हैं कि ये चीज केवल यहीं पर है और यही के बारे में बात हो रही है, तो हम दा का यूज कर लिया करते हैं, आर्टिकल दा को यूज कर लिया करते हैं। उस सिचुएशन को देखें तो ये दा का यूज बिल्कुल सही है, आई बात समझ में। आगे पास्ट टेंस, क्या 22 प्रोडक्ट्स कह रहे, ठीक है, नंबर्स दिए गए मोर देन वन, तो प्रोडक्ट्स आएगा फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आसाम, है ना, जो स्टेट से कहां के, आसाम के, उत्तर प्रदेश के, त्रिपुरा एंड मेघालय के, बात समझ में आ गई। चले नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में, बताइए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन था बट मजेदार था, ठीक है, करें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आर यू रेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन 1 अप्रैल 2024 रोमानिया एंड बुल्गेरिया पार्शली ज्वाइंट द सेंगन एरिया यूरोप्स आईडी चेक फ्री ट्रैवल जोन, है ना, बताएं जल्दी क्या इसका आंसर लगाने वाले हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन। इन 1 अप्रैल 2024 रोमानिया एंड बुल्गेरिया पार्शली ज्वाइन द सेंगन एरिया यूरोप्स आईडी चेक फ्री ट्रैवल जोन, बताएं जल्दी क्या आंसर होने वाला अकॉर्डिंग टू यू। सुमित प्यारी ए, शाबाश सुमित प्यारी का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, बेटा पढ़ लिया मैंने, ठीक है, बताएं जल्दी क्या आंसर आने वाला है, अभी तो सुमित का ही आंसर आ रहा है सारा का सारा, है ना, हाँ बेटा ए, ओम सिंह ऑप्शन नंबर ए, शाबाश, दीपक कसाना ऑप्शन नंबर ए, शाबाश, अदर्स इन नहीं होगा, रोहित कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, मास्टर ऑफ कॉमर्स ऑप्शन नंबर ए, शाबाश, अरे वाह आज तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, आप यहां देखिए 1 अप्रैल 2024 क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 अप्रैल 2024 अगर मैं भाई यहां पर अगर वाले क्वेश्चन से मैच करूं तो आपने कहा था इन मार्च, है ना, ऐसा कुछ 2024 यही तो बोला था, यानी वो मंथ को स्पेसिफिक कर रहा था, लेकिन यहां पर बोल रहा है 1 अप्रैल 2024 यानी अब ये मंथ के साथ साथ स्पेसिफिक कर रहा है किसको बेटा, डेट को, और जब डेट को स्पेसिफिक करेगा तो इनका यूज नहीं होगा, किसका यूज कर लिया जाएगा बेटा, ऑन का यूज कर लिया जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों की तरफ से, ठीक है, तबीयत खुश हो गई, दिल खुश हो गया जिस तरीके से तुम लोगों ने आंसर किया, ठीक है, यानी कंसेप्ट दिमाग में सेट हुआ बेटा जी। जब भी कभी होता क्या ना, कभी कभी एग्जामिनर तुम्हारे साथ गेम खेलता है, राइट, कभी कभी एग्जामिनर बिल्कुल गेम खेलने का मूड में बैठा होता है, वो क्या करता है, वो ऐसे लिख देता है अप्रैल 1, 2024, राइट, और यहां पर लिख देता है इन, है ना,
ऐसा कुछ आपके सामने कह दिया इन अप्रैल फर्स्ट 2024, हम अप्रैल पर फोकस करते हैं, फर्स्ट को इग्नोर कर जाते, ध्यान रखिएगा इस केस में भी तो डेट है, इन नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है ऑन। अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो एक बार जरूर फोकस कर लेना कि वहां पर लिखा हुआ क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम त्रिपुरा हैव बीन रिसेंटली रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, बताएं जल्दी बताएं फटाफट। 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम त्रिपुरा हैव बीन रिसेंटली रिसीव्ड क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ो, 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम त्रिपुरा हैव बीन रिसेंटली रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, बताएं क्या आंसर आने वाला है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन, बताइए जल्दी से क्या बोल रहे कि जो 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं कहां के बच्चों, त्रिपुरा के, उन्होंने रिसीव किया क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी जो जीआई टैग है उसको उन्होंने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, है ना। शिवा ठाकुर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, शाबाश, देखें जरा आंसर क्या आने वाला है, बाकी लोगों की तरफ से भी तो आंसर आने दो। ध्रुव दत्त कहते हैं बीन इज रॉन्ग, बीन नहीं होना चाहिए, ओके नेक्स्ट वन, अगला बताइए और क्या बोलता है। ध्रुव दत्त का आंसर आया मेरे पास बी, आभा यादव बी, ओके अदर्स प्लीज बताएं जल्दी से, चले आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आंसर इज व्हाट, है ना, रिमूव बीन बिकॉज ऑफ एक्टिव वॉइस, राइट, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है भाई, यहां पर भाई एक है ना एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट है, हमें क्या करना पड़ेगा, हैव रिसीव्ड, ठीक है भाई, जहां पर इन इस टैग को रिसीव करने वाला कौन है, यही तो है ना, ठीक है, इस टैग को रिसीव करने वाला कौन है, प्रोडक्ट भाई, यही तो रिसीव कर रहे हैं ना। अब जब इन्होंने प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया, टैग को रिसीव कर लिया, तो यही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट अपनी जगह प्रॉपरली प्लेस्ड है, और प्लेस्ड है तो पैसिव होगा नहीं, क्या हो जाएगा, हैव रिसेंटली, क्लियर, सीधी सी बात। देखो आपके ध्यान होगा जब हम पिछली क्लास में थे तो मैंने वहां पर टेंसेस के अंदर एक कंसेप्ट बताया था, वहां पर मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बन जाते एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बिहाफ पे, ठीक है, हमें वहां पर क्वेश्चन के अंदर आने वाली ऑक्सिलरी को जज करना होता है, ठीक है, कि वो ऑक्सिलरी सही है या गलत है और कौन सी वॉइस का और वॉइस के हिसाब से सेट है या नहीं है, ठीक है, तो यही चीज यही क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 वर हेल्ड एट न्यू डेली ऑन March 31st, 2024 टू सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग इंडियन हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, बताएं जल्दी से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, क्या द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 वर हेल्ड एट न्यू दिल्ली ऑन March 31st, 2024 टू सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग इंडियन हॉकी प्लेयर्स फ्रॉम द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, आंसर चाहिए बच्चों आप लोगों की तरफ से। अंकुर यादव का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, वॉज हेल्ड, ओके आगे बोलिए मैं फटाफट से, नेक्स्ट बोलो बेटा क्या आंसर होना चाहिए। अंकुर शिवा ठाकुर, वॉज हेल्ड होना चाहिए, ओके देखिए और कोई आंसर आप लोगों की तरफ से, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक कैसे आनंद आएगा क्वेश्चन का, बताएं जल्दी, शाबाश बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्रुव दत्त ऑप्शन नंबर ए, ओके अदर्स इन न्यू दिल्ली, सॉरी सर, ओके देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह रहे द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023, ठीक है, वो जो हुए हैं कहां हुए बेटा, न्यू दिल्ली में, अवार्ड्स जो दिए गए हैं, राइट, अवार्ड्स एक थोड़ी ना दिया गया, क्या आएगा बेटा वर, अगर सेरेमनी लिखा होता तो वॉज आ जाता, आई बात समझ में, क्या लिखा होता, सेरेमनी, और अगर मैं उस ओकेजन को डिफाइन कर रहा होता, ठीक है, मैंने यहां पर भाई यहां पर ये नहीं कहा हॉकी इंडिया अवार्ड सेरेमनी, राइट, नहीं मैंने ये नहीं कहा बेटा, जो चीज लिखी हुई है उस पर फोकस करो, आई बात समझ में, ठीक है, अगर मैं सेरेमनी कहूं, मैं इस फंक्शन की बात करूं तो मैं वॉज का यूज करूंगा एग्जैक्टली, लेकिन वो अवार्ड्स की बात कर, केवल अवार्ड्स को डिफाइन कर रहे, वो किसी और चीज को डिफाइन ही नहीं कर रहा, बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं आपको बहुत चीज क्लियर बोल रहा हूं,
कि अगर जो भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ वॉट एवर इज अवेलेबल इन द गिवन स्टेटमेंट दैट इज अ बेस फॉर यू पीपल, राइट, वही बेस है। मैं उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसी को समझना पड़ता है। अगर मैं उसको नहीं समझूंगा, मैं अपनी तरफ से चीजों को अप्लाई करूंगा, तो मुझे हमेशा प्रॉब्लम आएगी। आई बात समझ में? मैं यही सेरेमनी लिख देता हूं अभी, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, वर हट जाएगा, क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। आई एग्रीड विद यू, बट यहां देखो क्या बोल रहे, न्यू दिल्ली, क्या बोल रहे बेटा, न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, एट, जो कि हम जानते हैं क्या कि न्यू दिल्ली के साथ में हम एट का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। रीजन बिहाइंड, हम जानते हैं कि अगर एट और इनके बीच की बात करें तो लोकेशन को डिफाइन करने के केस में, एक प्लेस को डिफाइन करने के केस में, अगर कोई भी प्लेस एक बिग प्लेस को डिफाइन करता है, टाउन को डिफाइन करता है ना, जो कोई कंपैरेटिवली बड़ा है, राइट, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं, हम एट का यूज नहीं करते। बट अगर इसके कंपैरिजन में कोई चीज या इंडिया और लिखा होता, ठीक है, लिखा होता एट न्यू दिल्ली इन इंडिया, बिल्कुल सही है, क्यों, कंपैरिजन है किसका बेटा, न्यू दिल्ली का कंपैरिजन किससे करोगे, इंडिया से, तो इंडिया कैसे हो गया बिग प्लेस और न्यू दिल्ली कैसा हो गया स्मॉल प्लेस, तुरंत से एट का यूज कर लिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई दे जहां पर किसी प्लेस के नाम से पहले अगर एट या इनका यूज हो रहा तो उसको आइडेंटिफाई कर लेना, उसको मेजर करना जरूरी है, क्या ये सही है या गलत है। बात समझ में आ गई? दूसरा एक चीज और, मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, देखो यहां क्या लिखा हुआ, ऑन मार्च 31st 2024, है ना, लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब अब यहां पर वो क्या बोल रहे, 31st मार्च को, 2024 के 31st मार्च को, यानी उसने डेट को डिफाइन किया, और डेट को डिफाइन किया तो ऑन का यूज बिल्कुल करेक्ट है, सही है ना। तो ये वही कंसेप्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ डेट टाइम, है ना, ऐसा कुछ जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। चले नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग एस्टैब्लिशिंग अ डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू कॉम्बैट द प्रोलिफरेशन ऑफ इलीगल लैंडिंग एप्स एंड कर्ब ग्रोइंग साइबर फ्रॉड। ठीक है, देखें जल्दी से क्या आंसर आप लगाने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग एस्टैब्लिशिंग अ डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू कॉम्बैट द प्रोलिफरेशन ऑफ इलीगल लैंडिंग एप्स एंड कर्ब ग्रोइंग साइबर फ्रॉड। बताएं, ध्रुव दत्त का आंसर आया बेटा ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। बाकी बोलिए जल्दी फटाफट से क्या होना चाहिए, केवल ध्रुव का आंसर आया है अभी, बताएं, ऑमिट द इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, कंसीडरिंग टू एस्टैब्लिश, ओके, अदर्स, अदर्स बोलिए बच्चों। देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट, सबसे पहले जो मेरे पास आंसर आया वो शिवा ठाकुर ने आंसर दिया, जो एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से पहले से आप दा को ऑमिट कर दीजिए, ठीक है, कर देते हैं। बट एक बात समझना, अगर मैं आरबीआई की बात करूं, आरबीआई क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि हम जानते हैं, राइट, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन है या यूनिक है, सबसे पहली बात कॉमन है या यूनिक है, ठीक है भाई। आरबीआई, आरबीआई की फुल फॉर्म कहलाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हम जानते हैं, यानी यहां पर टर्म आ रखी बैंक की, तो बैंक क्या होता है, बैंक होता है जहां से हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं, राइट, इतना तो कंफर्म है। बैंक क्या है, जहां पर हम अपने पैसे को हम क्या कर रहे हैं, डिपोजिट कर रहे हैं, या जहां से हम एज पर रिक्वायरमेंट पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, दैट इज बैंक, बेसिकली अधिकोष कहा जाता है इसको, यानी जहां पर पैसा जमा हो रहा है, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या पैसा जमा करने का काम कर रहे हैं, सोचो जल्दी से फटाफट भाई, रिजर्व बैंक में जाके
आप क्या अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है तो बैंक ना, लेकिन आप अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड, ये जो बैंक है दिस इज अ गवर्निंग बॉडी, राइट? ये क्या है? एक गवर्निंग बॉडी है। किसकी बेटा? बैंक्स की, राइट? और इसके तरीके का इंडिया में क्या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में यूनिक है। और हम जानते हैं जब ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं तो उनके साथ आर्टिकल द को कंसीडर किया जाता है। यानी यहां से हम द का यूज करेंगे, द को ओमिट नहीं करेंगे। दूसरा लेते हैं, ठीक है? कंसीडरिंग एस्टैब्लिशिंग, बेटा कंसीडरिंग टू एस्टैब्लिश या एस्टैब्लिशिंग। यहां पर ये देखिए, ये क्या है ना, ये दो चीजें आ रही मेरे सामने, ठीक है? अब जरा इन दोनों चीजों को एक बार समझना। क्या रहा है? इज कंसीडरिंग एस्टैब्लिशिंग अ डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। वो कंसीडर करेगा क्या कि एस्टैब्लिश करना एक इंडिया डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी को। अब आपने कहा 2+V1, राइट? 2+V1 का मतलब हो गया इंफिनिटिव। इंफिनिटिव किसकी तरह रिएक्ट करता है बच्चों? नाउन की तरह। लेकिन अगर मैं V1+ING का यूज करता हूं तो V1+ING भी तो दो तीन तरीके से काम करता है। या तो वो एक्शन वर्ब होगा, या वो नाउन होगा, या वो एडजेक्टिव होगा। बस समझ में आ रही है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो इसके एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? एक्शन यही परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये नाउन के फॉर्मेट में, बेयर इंफिनिटिव की तरह हम इसको यहां पर क्या कर लेते हैं बेटा, एस्टैब्लिशिंग। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एज अ जेरंड यूज किया गया है, ठीक है? और जेरंड के केस में भी तो नाउन है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली अगर मैं आंसर देखूं तो क्या हो जाएगा, कॉम्बैट फिर वर्ब आ रही, तो यहां पर भी इन्फिनिटिव है। टू द प्रोलिफरेशन ऑफ इलीगल लैंडिंग एप्स एंड कर्ब ग्रोइंग, यानी और इनकी बात करूं, यहां भी तो आ रहा है ना, ग्रोइंग आईएनजी आ रखा है भाई, जो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? साइबर फ्रॉड, ठीक है? यानी ग्रोइंग यहां पर इस साइबर फ्रॉड के लिए एडजेक्टिव बना हुआ है, और एडजेक्टिव बना हुआ है तो इसको हमने क्या क्या दिया बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई बात समझ में? तो यहां पर भाई आईएनजी फॉर्मेट दो तीन तरीके से यूज होता है। जब भी क्वेश्चन आए आईएनजी वर्ब आ रही हो तो उसको देख लेना रिएक्ट कैसे कर रही है, उसके बाद आगे क्वेश्चन को आप चेंजेस जो करना उसको बाद में आप चेंजेस करेंगे। यहां पर सेंटेंस के अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कहना का मतलब, सेंटेंस कैसा दिखाई दे रहा बेटा? नो एरर स्टेटमेंट दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन मॉनिटर्ड नॉर्थ कोरियाज कंप्लायंस विद सैंक्शंस इंपोज्ड ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स। बताएं, जल्दी बताएं फटाफट से, क्या आंसर आने वाला है, ठीक है? भाई क्वेश्चन दिया गया, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल has been monitored North Korea's compliance with sanctions imposed due to its nuclear weapons and ballistic missile programs. ठीक है, ध्रुव दत्त का आंसर आया, शाबाश बी। ध्रुव दत्त ने कहा मॉनिटरिंग, वेरी गुड आंसर बच्चों। और बताइए, और किसी के दिमाग में क्या आंसर आ रहा है? ध्रुव ऐसा क्यों किया आपने कि यहां पर आप मॉनिटरिंग लगा रहे हैं, राइट? शिवा ठाकुर ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, शाबाश। अदर्स प्लीज बताएं, बाकी लोग भी आंसर बोलें बच्चों। अंकुर यादव, हैव बीन, ओके, चलिए इस पे भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है? हम तीनों पॉइंट्स पे बात करेंगे, जो पॉइंट्स आपने अभी मेरे को लिख के दिए, इन पॉइंट्स पे तीनों पे बात करने वाला हूं, राइट? जिससे कि चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए पहला पॉइंट लेता हूं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशंस के रेस्पेक्ट में हम तुरंत से द का यूज होगा, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इस स्टेटमेंट में भाई जब हम एरर्स करते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं, आगे पढ़ते चले जाते हैं, देखते जाते ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, राइट? अब ये क्या था, ये तो काउंसिल है, राइट? ये तो एक संगठन है, और जब काउंसिल की बात करते हैं तो काउंसिल जो होता है
वो कैसा होता है बेटा? सिंगुलर होता है जब वो एज अ ग्रुप काम कर रहा होता है। यहां पर भाई जो मॉनिटर कर रहा है, जो मॉनिटरिंग हो रही, वो कंप्लीट काउंसिल ही तो उसको मॉनिटर कर रहा है, यानी हम उसको एज अ ग्रुप ट्रीट कर रहे। और जब वो एज अ ग्रुप ट्रीट हुआ तब उस सिचुएशन में सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है यहां पर हैज का यूज बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? अब देखिए हैज बीन के बाद में यहां पर लिखा हुआ मॉनिटर्ड, ठीक है। देखिए जब पैसिव वॉइस होता है तो परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैज बीन एंड हैव बीन इनके साथ V3 यूज होता है जब पैसिव वॉइस होता है, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस है तो हैज बीन और हैव बीन इनके साथ में V1 प्लस ING यूज होता है, राइट। तो हमें सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। सोचो भाई मॉनिटर करने का काम किसका है? इस काउंसिल का है, यानी डूअर तो यही है, सब्जेक्ट तो यही है। और जब सब्जेक्ट अपनी जगह पे प्रॉपरली प्लेस्ड है तो स्टेटमेंट में आने वाला जो स्टेटमेंट होता है वो पैसिव वॉइस तो हो ही नहीं सकता। कैसा होगा? एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस होगा तो हैज बीन के साथ मॉनिटर्ड नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा? मॉनिटरिंग का यूज करना पड़ेगा, आप मॉनिटर्ड का यूज नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? चले आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो चिड़िया है, इस चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बताएं जल्दी से क्या आंसर होने वाला है अकॉर्डिंग टू यू पीपल, ठीक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर आप करने वाले हैं? बोलो जल्दी फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चों। बोलो जल्दी से क्या आंसर कर रहे हो? शिवा ठाकुर का आंसर आया ए, ध्रुव दत्त सी, मास्टर ऑफ कॉमर्स ए, शाबाश। देखिए आंसर देख लेते हैं, आंसर इज व्हाट? आंसर कुछ नहीं है बेटा, आंसर इज नो एरर। इस सेंटेंस के अंदर कहीं कोई एरर ही नहीं है। अब तुमने देखा ए कहां से ए लगा दिया, ठीक है, ए लगा दिया तुमने यहां ग्रेट से पहले जो दा लगा हुआ है, राइट। अब ये तो पक्षी का नाम है और पक्षी के लिए इंडियन है, राइट। तो ये इसकी एक विशेषता है, उसकी उसको भाई जो इंडिया में पाया जा रहा बर्ड है उसको क्या कहते हैं? इंडियन बर्ड ही तो कहते हैं, राइट। तो वो बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्रिटिकली, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज। अब ये स्पीसीज की बात कर रहे हैं और उसके साथ क्या ए, क्यों भाई? जितनी भी खतरे में आने वाली स्पीसीज हैं उनमें से ये एक है, कोई एक है, अरे बात समझ में, ठीक है। और दूसरा, जब उनमें से एक है तो वैसे भी सिंगुलर बना हुआ है, सिंगुलर बना हुआ है तो क्या लगा हुआ है बेटा? इज लगा हुआ है, वो भी ठीक है, टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और कॉन्टिनेंट के साथ इसका रिलेशन बनाने के लिए प्रीपोजिशन क्या आती है? टू, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन फाइनली कैसा हो जाएगा बेटा? नो एरर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टिमेटेड दैट ओवर 5,000 इंडियंस आर ट्रैप्ड इन कंबोडिया एलिजिबली बीइंग हेल्ड अगेंस्ट देयर विल एंड फोर्स्ड टू कैरी आउट साइबर फ्रॉड्स टारगेटिंग पीपल बैक होम। बताएं क्या आंसर लगाने वाले हो बच्चों, ठीक है। बिग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टिमेटिंग दैट ओवर 5,000 इंडियंस आर ट्रैप्ड इन कंबोडिया, है ना, एलिजिबली बीइंग हेल्ड अगेंस्ट देयर विल एंड फोर्स्ड टू कैरी आउट साइबर फ्रॉड्स टारगेटिंग पीपल बैक होम। बताएं क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू बच्चों, ठीक है। बोलो जल्दी से फटाफट से, अकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर आने वाला है? मैं तो आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। आपका आंसर तो पहले है, है ना, मेरी तो बात बात की है, पहले तो आपका आंसर आना चाहिए। बताइए जल्दी से फटाफट से, है ना। अच्छा समझ आ रहा क्वेश्चन? जितने क्वेश्चंस हमने अभी बात की, कंसेप्ट क्लियर हुआ उतना? बच्चों जितनी भी चीजें हम यहां पर बात कर रहे हैं, स्पेशली जहां भी ग्रामेटिकल सेगमेंट है, राइट, जहां पर जितने भी रूल्स दिखाई दे रहे हैं, उन रूल्स के अंदर मैं आपको जो भी रूल्स बोल रहा हूं
उनको नोट करते जाएगा, उनको भी अपने पास बुलेट पॉइंट्स में बनाते चले जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितनी चीजें बोलूं उनको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से उनको समझ लेना है, ठीक है। उनको अपने पास नोट डाउन भी कर लेना है सो दैट आप उनको प्रॉपरली रिवाइज कर पाए, ठीक है। चले बताइए जल्दी फटाफट से क्या आंसर होना चाहिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया, चलिए आंसर मैं ही बता देता हूं। आंसर इज व्हाट, क्या यहां पर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टिमेटेड। अब देखो हैज बीन एस्टिमेटेड, राइट, हैज बीन, अब हैज के साथ क्या लगा है बीन, और बीन के साथ क्या लगा है बेटा एस्टिमेटेड, राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट तैयार किया है ना भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब एस्टिमेट तैयार किया, काम करने वाला कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और ये एस्टिमेट कर चुका है ना कि 5000 इंडियंस के बारे में वो बात कर रहे, ठीक है। तो वो एस्टिमेशन निकाल चुका है, यानी एक्शन जो है वो परफेक्ट का है, और जब परफेक्ट का है तो यहां पर हैज के साथ वी3 हो सकता है, बीन हटा दीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर हो गई बात भाई। यहां पर क्योंकि स्टेटमेंट परफेक्ट को डिफाइन कर रहे, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, एक्शन पूरा हो चुका है, और जब एक्शन पूरा हो चुका, हम टेंस जानते हैं बच्चों क्या, कि जब कभी स्टेटमेंट के अंदर अगर एक्शन है ना, एक्शन के भाई कुछ चीजें बताई जाती हैं, हैबिचुअल है, रोजाना हो रहा है, इंडेफिनिट है, अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है, हो गया कंप्लीट, परफेक्ट है, चल रहा है और कब से चल रहा है, ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यही तो बेसिक है। और जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि हम चीजों को कंप्लीट कर चुके, हम एस्टिमेशन बना चुके हैं, और जब एस्टिमेशन बन चुका है तो एक्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट है और परफेक्ट की तरफ डिफाइन हो रहा है। क्लियर हो गई बात, तो इसलिए यहां से हम केवल बीन को हटा देंगे, और जब बीन हट जाएगा तो स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बच्चों। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स दैट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स टू लेबल देम एज बायोडिग्रेडेबल्स। बताएं बच्चों फटाफट से, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपके सामने है ना बच्चों, एक चीज और बताता हूं, ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चंस आपके सामने, ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं क्या कि भाई क्वेश्चन जो भी उठ रहा है आपने देखा होगा, मैं अभी मार्च अप्रैल की भी कुछ चीजें उठाई थी, राइट, तो क्या है वो करंट अफेयर्स में भी काम आ जाएगा, उसको नोट कर लेना जब दोबारा से देखोगे, तो हो सकता है वो करंट अफेयर्स में भी आपको काम आ जाए, क्वेश्चन आ जाए वहां से भी, तो देख लेना। अब चलिए कोई नहीं, अब क्या बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसने क्या किया, रिसेंटली इंट्रोड्यूस, उसने अभी अभी कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, क्या न्यू रूल्स, नए रूल्स लेके आइए दैट मेक इट मोर डिफिकल्ट, जो कि इसको डिफिकल्ट बना रहे क्या मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स टू लेबल एज देम बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जिससे कि वो उसको क्या कर दे बेटा बायोडिग्रेडेबल बताने के लिए जो नए रूल्स है वो उसने अभी फॉर्मुलेट किए, एस्टैब्लिश किए, राइट। क्वेश्चन के आंसर आना शुरू हुआ, सबसे पहले ध्रुवदत्त, ओके, उन्होंने कहा बीन शुड बी रिमूव्ड, अंकुर यादव कह रहे हैं बीन रिमूव कर दीजिए सर, बिल्कुल कर देंगे, बट कर क्यों दे, बिल्कुल रिमूव करना है, क्योंकि भाई जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ये रूल्स लेके आ चुकी है, यहां देखो यहां क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिसेंटली, रिसेंटली कोई चीज हुई है, काम कंप्लीट हो चुका है, और जब रिसेंटली काम कंप्लीट हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही, लेकिन वॉइस पैसिव नहीं है, वॉइस कौन सी है, एक्टिव, और जब वॉइस एक्टिव है तो बीन को रिमूव कर दीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर बच्चों, आप लोगों की तरफ से बहुत शानदार आंसर आया, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई अप्रिशिएट योर थिंकिंग प्रोसीजर, गुड, चले शाबाश, ऐसे ही आंसर करना है सोच के। चले नेक्स्ट वन, रिसेंटली द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव इंट्रोड्यूस्ड ट्रेडिंग इन रोलिंग सेटलमेंट साइकिल इन द इक्विटी सेगमेंट ऑन एन ऑप्शनल बेसिस। बताएं जल्दी से फटाफट से इसका आंसर क्या लगाने वाले हो, है ना, एनएससी और बीएससी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बताइए क्या आंसर आने वाला है अकॉर्डिंग टू यू, आप क्या सोचते हैं, क्या आंसर आप लगाने वाले हैं, राइट। शुभम का आंसर आया बी, शुभम ने कहा सर
द को रिमूव कर दीजिए। कहां से बेटा, कहां से रिमूव करें? बी में से, बी में द आ कहां रहा है? एक्सचेंज हैव इंट्रोड्यूस ट्रेडिंग इन रोलिंग, कहां है बेटा? बी में द हैज होगा। ओके, शिवा ठाकुर ने कहा नो एरर। ओके, शाबाश। लाइक किसी ने नहीं किया सेशन को, आंसर सब कर रहे, लाइक तो करो कम से कम। हाँ चलिए बताए जल्दी। ध्रुव दत्त डी, अंकुर यादव रिमूव हैव, शुभम सॉरी, क्या हो गया भाई? सॉरी क्यों, सॉरी काय का बेटा, गलती होती रहती है। अभी तो आंसर मैंने बताया ही नहीं, अभी सॉरी काय का। जब आंसर आ जाए तब कहते अच्छे लगोगे यार, बाप पहले स्टार्टिंग में सॉरी बोल, यार स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहिए। चले देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज व्हाट? नो एरर। आंसर क्या है? नो एरर। सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। कर नो एरर देने वाले आंसर कौन कौन थे? शिवा ठाकुर, मास्टर ऑफ कॉमर्स, शाबाश, है ना। अब दो तीन लोगों ने आंसर दिया, तो दो लोगों ने आंसर दिया नो एरर। नो एरर कैसे पता चला बच्चों? भाई सारी चीज देख लो, क्या कह रहे हैं? रिसेंटली। फोकस करो, क्या बोल रहे? रिसेंटली। रिसेंटली मतलब काम हो लिया, ये कंफर्म कैसे? अगर रिसेंटली वर्ड बोल रहा है तो रिसेंटली वर्ड का मतलब काम तो कंप्लीट हो चुका ना बच्चों, ठीक है। और जब काम कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट जाएगा ही जाएगा। यहां क्या कह रहा है? हैव इंट्रोड्यूस्ड। सब्जेक्ट कितने? दो। कौन कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। और दोनों के साथ में लगा हुआ है द, यानी दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग। और जब दो अलग अलग चीजें कनेक्ट हुई एंड से तो वर्ब तो प्लूरल होती है, बिल्कुल सही है। नाउ हैव इंट्रोड्यूस्ड ट्रेडिंग इन रोलिंग, राइट, ट्रेडिंग इन रोलिंग, इंट्रोड्यूस कर दिया, ये वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है। आया समझ में? भाई प्रीपोजिशन के साथ साथ जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, भाई जीरेंड है, जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है। सेटलमेंट साइकिल, लेकिन भैया आगे पे नाउन आ गया सेटलमेंट, राइट, साइकिल। अब सेटलमेंट के लिए क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे, दोनों सेम चलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन द इक्विटी सेगमेंट और एन ऑप्शनल बेसिस, ऑप्शनल से पहले क्या लगाओगे? एन लगाना पड़ेगा, बिकॉज एक साउंड किसकी आ रही है? वोवल साउंड आ रही है। इक्विटी सेगमेंट है, अपने आप में यूनिक होता है, तो आर्टिकल द का यूज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल अलग अलग है शिवा, वेरी गुड, है ना, चीजें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चाइनीज कंज्यूमर टेक गेंट ज्योमी हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल द SU7 इन बीजिंग, बताएं। हाँ बिल्कुल बच्चे, दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बताइए। चाइनीज कंज्यूमर टेक गेंट ज्योमी हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल द SU7 इन बीजिंग, क्या आंसर लगाने वाले हो? बोलो जल्दी से, फटाफट से। बहुत आसान क्वेश्चन यार, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो कार भी खड़ी है सामने, बताओ जल्दी। अच्छा ये बताओ, गाड़ी अच्छी लग रही है ना? अगर गाड़ी अच्छी लग रही है तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, अगर गाड़ी अच्छी नहीं लग रही तो क्वेश्चन प्यारा नहीं है। ध्रुव डी, अच्छा ध्रुव ने कहा ए, शिवा ठाकुर ने कहा डी, ध्रुव दत्त कह रहे हैं हैव लगा दीजिए सर। ओके चलिए अभी देखते हैं, शुभम ने कहा ए, शाबाश। अच्छा शिवा ठाकुर को गाड़ी अच्छी लग रही है, वेरी गुड। बताइए चाइनीज कंज्यूमर टेक गेंट ज़ियोमी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल द SU7 इन बीजिंग। अच्छी लग रही है, ठीक है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए समझिएगा, एक फंडा बताता हूं, एक पॉइंट बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना, काम आता है क्या? अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हो ना तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर कभी स्टेटमेंट में ये लिखा मिले ना इट्स, तो एक बार चेक जरूर करना है, इसको जरूर चेक करना। रीजन बिहाइंड, ये बड़ा कंफ्यूजिंग आइटम है, क्यों भाई? यहां पर इसको भी हम इट्स बोलते हैं, इसको भी हम इट्स बोलते हैं, दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है, बट दोनों का यूज कैसा बचे अलग अलग है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चले यहां पर भी लिखा था, ये देखो जरा इट्स, बाकी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, मेरी तो निगाह इस पे गई है। सबसे पहले इसी को चेक करूंगा ना मैं,
ठीक है, तो इट्स लिखा है, इस इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज, और इट्स इट्स का मतलब क्या होता है, पजेसिव केस, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है। बच्चों यहां पर देखो, उन्होंने अपनी लॉन्च की अपनी पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल, किसका पहला, Xiaomi का, है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ रखा है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा बेटा, इट्स आएगा, यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, आई बात समझ में, इट्स होगा इनस्टेड, बिल्कुल समझ गया, ठीक है, क्योंकि इट्स यूज लाइक इट इज एंड इट्स पोजिशन, दैट्स गुड बच्चे, ठीक है, तो यही चीज, अभी तो मैंने कुछ और देखा ही नहीं था। अब दूसरी जगह आता, चाइनीज कंज्यूमर टैग गेंट Xiaomi हैज, ये जो हैज लिखा हुआ है, इस कंपनी के लिए ही तो आया है बच्चे, इस कंपनी ने ही तो लॉन्च किया अपना पहला व्हीकल, आई बात समझ में, ठीक है। और जब इस कंपनी की बात करोगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होता है तो हैज का यूज बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई बच्चे, किसी ने हैव लिखा था उसके लिए आंसर है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो पॉइंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ आया, अरे कंसेप्ट समझ आया बच्चों, बताओ जल्दी से फटाफट, बताते रहो, कंसेप्ट में कोई दिक्कत, कहीं ऐसा लगा हो कि कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कंसेप्ट आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ यहां पर है, और ये क्या है, ये यूज ऑफ पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, राइट, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बच्चों, कि अगर भाई आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन आता है, किससे बेटा, प्रोनाउन से, तो प्रोनाउन से पजेसिव केस का क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो पजेसिव केस जहां कहीं लगा हो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, इससे क्वेश्चन बार बार देखा जाता है बेसिकली, राइट, और जब बार बार क्वेश्चन देखा जा रहा है तो हम उसको क्यों ना तैयार करके जाएं, उसके बारे में समझ के जरूर जाएं कि वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये चीज पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो गई बात, चले नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया On March 28, 2024, the Hindustan Aeronautics Limited successfully completed first flight of the indigenous light combat aircraft Tejas Mark A1 fighter jet in Bengaluru. ठीक है, बताएं जल्दी, है ना, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेटा जी तेजस से रिलेटेड बात है, तो आप डिफेंस में जाने की कोशिश कर रहे हो, और डिफेंस में तेजस तो अपने आप में क्या एक नाम है, ठीक है, तो बताएं क्या लगता है आपको इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर है या नहीं है, बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चों, ठीक है, बताएं। ऑन March 28, 2024 द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क A1 फाइटर जेट इन बेंगलुरु, ठीक है, बताएं जल्दी से, आंसर आपकी तरफ से आ जाना चाहिए, ठीक है, सोचो समझो और आंसर लगाओ, ठीक है, जब आंसर लगाओगे तो पता चलेगा ना कहां गलती हो रही है ना, और मैं बड़ा आई एम अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स कि आज आप वाकई में बहुत जबरदस्त आंसर लगा रहे हो, ठीक है, हाँ बताएं, अनुज यादव, अंकुर यादव क्या कह रहे हैं भाई, एनी नी ये क्या है भाई, अच्छा नो एरर, ओके, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो बच्चे, ठीक है, लक्ष्मण पाटिल डी, ओके, शिवा ठाकुर हैज कंप्लीटेड, ध्रुव दत्त ऑप्शन नंबर डी, शाबाश, अदर्स प्लीज बताएं, आंसर बहुत मजेदार आने वाला है, ठीक है, बहुत मजेदार आंसर आएगा, अभी लगा हुआ आप आंसर, मैक्सिमम बच्चा इसके अंदर मुझे पता है आंसर लगाएगा नो एरर, है ना, देखा अंकुर यादव कह रहे हैं नो एरर सर, ठीक है, मैक्सिमम बच्चा नो एरर इसके अंदर आंसर लगाने वाला है, रीजन बिहाइंड, क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो एक इमोशंस है, वो इमोशंस इस सेंटेंस को कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये यहां डाल क्यों दिया गया, ठीक है, तो इसलिए आंसर लगा दीजिए नो एरर, है ना, इमोशंस बेस्ड होकर चल रहा है, जरा एक बार ग्रामर को भी बेस बना लेते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बोला था, जब भी कभी क्वेश्चन आता है एरर्स का तो इमोशंस साइड में रख दीजिएगा, बात करिएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस की, एक एक करके पकड़ता, March 28, 2024 क्या लिखा हुआ बेटा, ऑन, बिल्कुल सही है ना, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, HAL लिमिटेड अपने आप में यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, दा का यूज हो गया, बिल्कुल सही है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है, पूरी तरह से उन्होंने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ, यहां देखो क्या लिखा है, ऑफ, है ना भाई, ऑफ क्या, ऑफ में किसका रिलेशन, फ्लाइट का, किसके साथ में बच्चे, तेजस के साथ में, तो तेजस के लिए फ्लाइट तो स्पेसिफिक होगी ना,
तेजस के लिए फ्लाइट कैसी हो गई? स्पेसिफिक, और उसमें भी कह रहा है फर्स्ट फ्लाइट। क्या बोल रहा है? फर्स्ट फ्लाइट ऑफ तेजस, यही तो कहना चाह रहा वो। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट तो स्पेसिफिक है ना, इस विमान के रेस्पेक्ट में क्या लगाओगे? द, यहीं पर बस फर्स्ट से पहले द लगा देना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कहना का मतलब हमने भाई जैसे आगे बढ़े तुरंत यहां ऑफ लग रहा है, ऑफ ने इंट दिया कि इसका रिलेशन आगे है। आई बात समझ में? जैसे ही आपने इस हिंट को लिया और तुरंत क्लियर हो गई बात, फर्स्ट फ्लाइट है, स्पेसिफिक है, दूसरा शॉर्ट टर्म में समझ सकते हो बेटा, जहां कहीं पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे आते हैं ना, नंबर्स इस फॉर्मेट में लिखे आते हैं जिनको हम ऑर्डिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में आर्टिकल द का यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत से आर्टिकल लगाइए, द, क्वेश्चन सही हो जाएगा। सही है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस्ड अ प्लान टू इंट्रोड्यूस अ सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम फॉर द कंट्रीज हाईवेज। बताएं अभिषेक सोनी, जय हिंद गुरुदेव, जय हिंद बच्चे, बताएं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी अनाउंस्ड अ प्लान टू इंट्रोड्यूस अ सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम फॉर द कंट्रीज हाईवेज। बताएं क्या आंसर लगाने वाले हो? देख रहे हो टोल प्लाजा लगा हुआ है ना, तो टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से फटाफट से क्या आंसर लगाने वाले हो आप लोग। वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चों, क्वेश्चन तो आसान है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है, है ना, बस थोड़ा सा सोचना समझना है क्या होना चाहिए। बताएं अभिषेक सोनी, सी, ओके, शुभम ने कहा सी, ओके, और कुछ? चले आंसर देख लेते हैं, राइट, कंफ्यूजन हो रहा क्वेश्चन में। देखिए आंसर इज व्हाट? डी, नो एरर, कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, सी कहां से एरर बना दिया बच्चों? ठीक है, सी में तो कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है? नो एरर। अब देखिए भाई, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी अनाउंस, उन्होंने अनाउंस कर दिया क्या, प्लान टू इंट्रोड्यूस अ सैटेलाइट, है ना, प्लान को अनाउंस किया है, ऑब्जेक्ट है, सही है, टू इंट्रोड्यूस नाउन चाहिए, क्या, अ सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, इसको इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये भी क्या कंपाउंड नाउन है, फॉर द कंट्री, और कंट्री के साथ अपोस्ट्रोफीस लगा सकते हैं, बिकॉज कंट्री कैसे नाउन होता है, पर्सोनिफाइड, और जब पर्सोनिफाइड नाउन होता है तो पर्सोनिफाइड के केस में हम अपोस्ट्रोफीस का यूज कर सकते हैं, राइट, और जब पर्सोनिफाइड, भाई कंट्री कैसे नाउन है, पर्सोनिफाइड, बिल्कुल सही है। ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है, क्यों, सिस्टम, टोल कलेक्शन सिस्टम कैसा है बेटा, सैटेलाइट बेस्ड, ये एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट कर रहा है, आगे नाउन की तरह रिएक्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के केस में ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कंपाउंड नाउन की तरह रिएक्ट करेगा, और कंपाउंड नाउन में बिल्कुल सही है, आगे बात समझ में, इसलिए सेंटेंस कैसा है, नो एरर, दैट्स इट, है ना, बहुत छोटी सी चीज थी। चले नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाइना बींग श्रीलंका लार्जेस्ट bilateral creditor has recently pledged to assist in the restructuring of the island nation external debt, right, बताएं, बहुत मजेदार क्वेश्चन आया ये भी, देखें जरा क्या आंसर लगाने वाले हो बच्चों। पढ़ो क्वेश्चन को, चाइना being श्रीलंका's largest bilateral creditor has recently pledged to assist in the restructuring of the island nation external debt. Dhruvdat, option number C. Okay. Ankur Yadav, remove has. Okay. Arkach. Bataen jaldi. Chale, answer dekh lete hain. ठीक है, आंसर देखिए बच्चों क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। व्हाई, क्यों हुआ, इसलिए हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग, भाई ये तो दा लग रहा है तो नाउन है, ऊपर से ऑफ लगा हुआ है तो कंफर्म हो गया नाउन आ रखा, द आइलैंड नेशन,
जो आइलैंड नेशन है इस नेशन का एक्सटर्नल डेट है, यानी ये तो नाउन था ही, ये भी भाई ये भी कंपाउंड नाउन है। अब इस नाउन का रिलेशन भी तो इससे दिखाओगे। हम जानते हैं कि नाउन का रिलेशन अगर नाउन से दिखा दिया जाए तो नाउन का रिलेशन नाउन से दिखाने के दो कहानी भाई, नाउन प्लस नाउन। अगर ऐसा होता, अगर इस नाउन का रिलेशन इससे है तो अपोस्ट्रोफियस है, और इस नाउन का रिलेशन इससे है तो क्या है बेटा, ऑफ है। यहां पर नेशन का रिलेशन एक्सटर्नल डेट से है, यानी भाई ये नाउन वन मान ले, नाउन टू मान ले, तो ये क्या हो गया, नाउन वन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, नाउन टू हो गया। जब इसका पोजेशन इस पे तो क्या लग गया, अपोस्ट्रोफियस। बात इतनी सी है, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर हम अपोस्ट्रोफियस का यूज करने वाले हैं। दूसरा, हमने पहले भी कहा था कि जो नेशन है इसको पर्सोनिफाइड नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें अपोस्ट्रोफियस का यूज कैसा है, सही है। बात समझ में आ गई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, ठीक है। चले आज के सेशन में, ठीक है, हम लोग एरर्स पे बात कर रहे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के सेशन में हुई एरर्स समझ में आई होंगी, है ना, कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे, कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। हमें उन चीजों का ध्यान रखना है, वो चीजें सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस लेके आ जाती हैं, और जब क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है जैसे हम लोगों को अभी यहां पर हो रहा था, हम लोग क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज हो रहे थे। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें अपनी तरफ से शॉर्ट शॉर्ट होना। रूल इज दिस, अप्लाइड है या नहीं है, फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है दैट्स ओके, नहीं हो रहा दैट इज एन एरर, सिंपलेस्ट थिंग इज दैट। आई बात समझ में, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, रूल्स को रिवाइज करके प्रैक्टिस करिए। और मैं तो ये कहूंगा क्या कि आप रूल्स भी रिवाइज करें तो वो प्रैक्टिस बेस्ड होकर करें, जितना प्रैक्टिस उतनी एरर्स आसान हो जाती हैं। बस जरूरत होती है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, थोड़ा सा हार्डवर्क करने की, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, ठीक है ना, अब जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपको कैसा लगेगा बेटे, अच्छा लगेगा, उतना आप आसानी से समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। इन्हीं के चीजों के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।